दोस्तों नमस्कार, मैं एस के पटेल आपका स्वागत करता हूं बिहार के बेहतरीन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बिहार स्पेशल जॉब्स में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे बिहार के संपूर्ण इतिहास के बारे में और बिहार के वर्तमान स्थिति के भी बारे में जानेंगे। अगर आप भी दोस्तों बिहार के निवासी हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे खास है, क्योंकि हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के इतिहास के बारे में हमें जानकारी रखना अति आवश्यक है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। बिहार का ही प्राचीन नाम मगध था, जिसकी राजधानी राजगीर थी, जिसको आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। दोस्तों बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिब्रज यानी राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। मगध की गद्दी पर बिंबिसार 545 ईसा पूर्व में बैठा। बिंबिसार 545 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार को मारकर मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। दोस्तों अजातशत्रु एक प्रतापी राजा था, जिसके सिर पे जीत का जुनून इस कदर सवार था कि उसके रास्ते में जो भी आता था उसे वो नहीं छोड़ता था, और वो अपनी नीति में कामयाब भी रहा और उसका शासन चलता रहा। अब शासन आता है अजातशत्रु के बेटे उदयन का। दोस्तों कहा जाता है जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। उदयन ने भी अपने ही पिता यानी अजातशत्रु को मारकर मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य में ऐसे चार पीढ़ियों तक चलता रहा कि शासकों ने अपने ही पूर्वजों को मारकर मगध साम्राज्य पर शासन करने लगे। जब उदयन का शासन आया तो उसने अपनी राजधानी मगध की राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र को बना दी, जो कि मगध की राजधानी उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को बनाया गया, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों हर्यक वंश के अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। दोस्तों ये था मगध साम्राज्य का इतिहास। और अब हम जानते हैं कि हमारे बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। दोस्तों बिहार का नाम पहले विहार था, जो कि व से शुरू होता है, विहार। विहार का मतलब बौद्ध मठ था, क्योंकि शासकों ने बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए रहने और निवास करने के लिए कई आवासों का निर्माण कराया था। इन्हीं आवासों को विहार कहा जाता था। दोस्तों विहार शब्द का अर्थ ये भी है कि शिक्षा का केंद्र। इतिहासकारों के अनुसार यही विहार शब्द धीरे धीरे बदलकर आम बोलचाल में बिहार बन गया, तभी से हम इसे बिहार के नाम से जानने लगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार और उड़ीसा बंगाल विभाजन कब हुआ, और उसके बाद हमारे बिहार का स्थापना कब हुआ इसके बारे में हम बताएंगे, और बिहार की अभी वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।